गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर सुबह के काम कर रही हूँ। वैसे तो एक बार झाड़ू लग चुकी है, लेकिन होता है ना कि एक दोबारा से सामान वगैरह, बिस्तर वगैरह सही करके सब दोबारा से व्यवस्थित करके लगाना पड़ता है, तो वो ही दोबारा मैं कर रही हूँ। ये दीवान को मैं सेट कर रही हूँ, चादर लगा रही हूँ। हर 2-4-6 दिन में मैं चादर बदल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह होती है तो गंदा हो जाता है। आज मुझे दोनों कमरे के बेड के चादर बदलने हैं। और देखिए, ये बेड भी कितना मैसी मैसी लग रहा है। अब इसका भी चादर बदलूंगी और इसको अच्छी तरीके से सेट करूंगी। चलिए मिलते हैं इसको सेट करने के बाद। मैंने चादर बदल दिया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि चादर दूसरा है और तकिया का कवर दूसरा है, तो मुझे इस वाले चादर का तकिया का कवर मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने दूसरा कवर डाल दिया है। और देखिए, ये मेरी गिलोय की बेल है और ये कितनी बड़ी होती जा रही है। छोटी सी कटिंग लेके आई थी अपने मायके से और इतनी गिलोय अपने आप में एक औषधि है। जब कोरोना काल था, कोरोना का टाइम था, तो इसी गिलोय का काढ़ा बना कर के बहुत ज़्यादा पिया जाता था। ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली बेल है। देखिए, और देखिए, 2 दिन कपड़ों को सेट नहीं किया है, यानी कि धुले हुए कपड़े हैं, और 2 दिन कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखा है, तो देखिए कितना बड़ा कपड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। आज इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके और अलमारी में अच्छे से लगा के रखूँगी। अब दोपहर के खाना में हल्का फुल्का बनाना है मुझे, तो आज मैं वेज तहरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन काट लिया है और चावल को धो लिए हैं, जीरा का तड़का लगाया है और प्याज लहसुन मिर्च को डाल के टमाटर डाल दिए हैं और फिर इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा मसाला डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला पकने का इंतज़ार किया है। ये कम से कम बनने वाली और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मसाला जब भुन गया है तो इसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है और फिर उसके बाद पानी डाल दिया है चावल के नाप के अनुसार
पानी डाल दिया है, आवश्यकता अनुसार नमक डाल दिए हैं और उसके बाद चावल डाल दिया है। और चावल डालने के बाद थोड़ा सा खौल आने के, थोड़ा सा पानी उबलने के बाद उसमें कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी आने का इंतज़ार किया है। 2 सीटी आने के बाद, 2 सीटी आने के बाद हमारी वेज तहरी तैयार है। अज्जू खाने, ये देखिए अज्जू को मैंने परोस के दिया है, अज्जू खा रहा है। अब हमारा शाम की चाय का टाइम हो गया है। देखिए शाम के टाइम कैसा मौसम लग रहा है, आइए आप भी चाय पी लीजिए आके। और ये ऊपर मेरा बेटा घूम रहा है जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, उसको नहीं अभी पसंद है देख कि वो अपना चेहरा दिखाए। तो चाय मिलते हैं चाय पीने के बाद। और ये देखिए हमारे हमारा वाईफाई है, ये वाईफाई का लोहे का रॉड कितना बड़ा है, कितना ऊंचाई से वाईफाई लगा है। देखिए फ्रेंड्स शाम हो गई है, शाम के टाइम आसमान में कैसा व्यू लग रहा है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल फ्रेंड्स।